नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने 7 लेक्चर इस सीरीज में दिए हैं, ये हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर है। तो अभी तक हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस भी लिखवाई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, और आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे एक दूसरे आइसोमर्स को पहचानते हैं, उनका नाम देते हैं, डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, आयस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और आपने एसिमेट्रिक कार्बन एटम और इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशंस, नई नई चीज़ें इसमें सीखी थी। अब हमारे को फाइनल जो कंक्लूजन है उसमें आप लोग को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो दो क्लासेस बताई गई थी उसमें एक कॉन्फिगरेशनल बताई गई थी और एक कॉन्फॉर्मेशनल बताई गई थी। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमने आप लोगों को बताया था कि जहां पे डिफरेंस जो होता था वो उनकी कॉन्फिगरेशन में आता था, जैसे ग्रुप के अरेंजमेंट में। देखिए, मैंने आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसा, ये आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे इसको CH3COH कहते थे, है ना, इसको भी CH3COOH लिख दिया हमने। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए, कभी राइट हैंड साइड है, कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो गए। क्यों कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो गए? क्योंकि इस रिजिड सेंटर के अराउंड ये ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। ग्रुप्स जो है, ये ग्रुप है, इसकी पोजीशन देखिए, पहले ये राइट हैंड साइड में था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, क्योंकि ग्रुप की पोजीशन चेंज होने के कारण, ऑरिएंटेशन चेंज होने के कारण ये पूरे दोनों कंपाउंड ही अलग अलग हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हो गए? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है ना, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। तो ऐसी जगह जहां पे कि सेंटर रिजिड होता है और अरेंजमेंट ग्रुप का अलग अलग होता है वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। मगर इसके अलावा जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है उसमें अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप जो है एक एक फ्लेक्सिबल सेंटर के अराउंड जो होता है वो देखा जाता है। इस कंपाउंड में देखिए, ये एक एल्केन मॉलिक्यूल है, इस एल्केन मॉलिक्यूल में ये जो सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को अगर रोटेट करते जाओ, केवल रोटेट करते जाओ, तो रोटेशन के बाद आपको एक फॉर्म जैसे ये बनी, तो दूसरी फॉर्म बच्चों आपको क्या बन सकती है? ए बी सी बी डस एडस सीडस, ये आपको फॉर्म देखिए चेंज हो गई। केवल हमने इस कार्बन को रोटेट किया, तो केवल रोटेशन जब फ्लेक्सिबल सेंटर के अराउंड कर लें तो उससे भी डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल है, जिन्हें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट अगर आप इसमें और देखना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लाया होगा। जब आपने ये बॉन्ड तोड़ा होगा, ये बॉन्ड भी तोड़ा होगा, और इसको यहां फिक्स किया और इसको यहां फिक्स किया, ठीक है, मतलब इनका आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं होता, केवल बॉन्ड तोड़ के दोबारा से फिक्स करके ही ये केस पॉसिबल हुआ होगा। मगर इसमें इंटर कन्वर्जन हो सकता है, केवल आपको एक बॉन्ड के अराउंड घुमाते जाना है, है ना, तोड़ करके दूसरी जगह लगाने वाला केस जो था वो प्रीवियस केस था, जिसे हमने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहा। यहां पे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिफरेंस लाने के लिए आपको एक बॉन्ड के अराउंड घुमाना पड़ा,
ये जो घुमाने वाली जो बात थी ये तब पॉसिबल हो पाई जब यहाँ सिंगल बॉन्ड था, चूंकि सिंगल बॉन्ड था इसलिए फ्री रोटेशन पॉसिबल था, इसलिए हमारे यहाँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में डिफरेंट फॉर्म्स होती है, यहाँ डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल तो सेम है मगर इसकी दो अलग अलग फॉर्म है, एक फॉर्म इसको ए कहेंगे इसको बी कहेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, मगर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स मतलब डिफरेंट सब्सटेंस या दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, लास्ट लेक्चर बच्चों जब हम लोग कर रहे थे तो लास्ट में हमने उसके लास्ट में प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे और आपको लेटेस्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया गया था, जिसमें आपको फ्रंट कार्बन एटम और रेयर कार्बन एटम दिखाए गए थे, फ्रंट और रेयर कार्बन एटम दिखाए गए थे। आपको बताया गया था कि अगर ये दो कार्बन एटम ऐसे हैं, एक कार्बन वन है एक कार्बन टू है और इनसे जुड़ी हुई तीनों वैलेंसीज ये हैं, है ना, ये तीन वैलेंसीज है। अगर इस तरह इस तरफ से व्यू किया जाए कि पहला कार्बन आगे आए तो आपको ये कार्बन फ्रंट कार्बन की तरह दिखाई देगा और ये वाला पीछे की तरफ है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको रेयर कार्बन की तरह दिखाई देगा, उसका सेंटर नहीं दिखाई देगा, केवल उसकी तीनों वैलेंसीज आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये फ्रंट और रेयर कार्बन एटम को जब हम एक साथ मर्ज करते थे, इन फ्रंट और रेयर कार्बन एटम को जब हम एक साथ मर्ज करते थे तो ये टोटल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता था इस तरीके से, ये दो कार्बन हैं बीच में जो गोले हैं दो कार्बन हैं और ये इनकी छह वैलेंसीज आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ए बी सी, इसको ए ए डैश बी डैश सी डैश कहूं तो ये ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश, इस तरीके से ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला था किसी सिंगल बॉन्ड के अराउंड दोनों कार्बन और उनकी वैलेंसीज को दिखाने के लिए। तो इसको भी आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ सकते हैं इसके कैटेगरी में, ठीक है। आगे जो हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ध्यान से अब आपको एग्जाम्पल्स देखने बच्चों। तो सबसे पहला केस में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं एलिफेटिक एल्केन्स का, एल्केन्स का एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, जो ओपन चेन एल्केन कंपाउंड है उस एग्जाम्पल में हम डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स पता करेंगे ढूंढेंगे। तो पहला एग्जाम्पल बच्चों जो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा वो आएगा C2H6 जिसका नाम है इथेन। ये क्या है बच्चों, इथेन। अच्छा, इथेन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, दो कार्बन है और इन दोनों कार्बनों से तीन वैलेंसीज जुड़ी हुई हैं जो कि हाइड्रोजन ही है, एच एच एच, ये भी क्या है, ये तीनों के तीनों एच हैं। तो ये हेक्सेन जिसका फॉर्मूला C2H6 है, क्या ये हेक्सेन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है पॉसिबल, इस चीज को हमको देखना है, इसकी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेरिक फॉर्म्स हमने देख ली, ठीक है। तो बच्चों सहूलियत के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इन तीनों हाइड्रोजन्स को क्या कर दिया, इनको मार्क कर दिया ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं। इसका नाम एच ए एच बी एच सी और इसका नाम एच ए डैश एच बी डैश एच सी डैश कर दिया, ठीक है। ये मार्किंग करने के बाद, ये लेबलिंग करने के बाद, अब मैं मॉलिक्यूल्स का जब आपको कॉन्फॉर्मेरिक फॉर्म्स न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से दिखाऊंगा तो आप देखिए कैसे कैसे फॉर्म चेंज होती है। तो मान लेते हैं इस तरफ से हम देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो फ्रंट कार्बन एटम बच्चों कैसे होगा, एच ए एच बी एच सी, और इसका रेयर कार्बन एटम कैसे होगा, रेयर कार्बन में सेंटर से नहीं लेके जाना आपने वैलेंसी को, केवल गोले के पेरिफेरी से, इसकी परिधि से लेके जाना है। तो ये एच ए डैश एच बी डैश और एच सी डैश, ये आपकी तीन वैलेंसी, पीछे वाले ये सी वन कार्बन है और ये सी टू कार्बन है, ये अगर सी वन कार्बन में बोल रहा हूं तो ये सी टू कार्बन में बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल रहेगा और ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं,
है ना, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल को सिंपल कैसे, सिंपलीफाई कैसे किया था, इसको हटा दें, इस स्ट्रक्चर को, दोनों को मर्ज कर लें, और ये आपके स्ट्रक्चर देखिए, मैं इस एच ए डैश, एच बी डैश और एच सी डैश, मैंने सेकेंड नंबर के कार्बन की वैलेंसीज को ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ब्लू कलर आपको डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा, आप आसानी से इसको देखने में भी अंतर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इथेन का एक स्ट्रक्चर है, इथेन ऐसे दिखेगा अगर न्यूमैन से पूछें तो, न्यूमैन की माने तो इथेन ऐसे दिखता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस पीछे वाले कार्बन को, एक पीछे वाले कार्बन को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, आपको आगे का कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, और ये पीछे वाला कार्बन, हालांकि आपको नहीं दिख रहा मगर उसकी वैलेंसी दिख रही है, ठीक है ना। अब आप ये पीछे वाले को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, अलग अलग डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, है ना, अलग अलग डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। तो इनके रोटेट करने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगी, देखिए कैसे होगा ये सब कुछ। इस वाले को, पीछे वाले कार्बन को मैं 60-60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60-60 डिग्री घुमाता जा रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा। ये तो पहली तीन वैलेंसीज हैं जिन्हें हमने एच ए एच बी एच सी कहा, और इनको नहीं घुमाया हमने, तो केवल पीछे वाले को घुमाया, इसलिए पीछे वाली वैलेंसीज कैसे हो जाएंगी, एच ए डस एच सी डस और एच बी डस। इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल घूमने के बाद चेंज हो गया। अगला केस क्या रहा होगा, जब हमने आगे वाले को, तो देखिए हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, पीछे वाले को हमने फिर से घुमा दिया, तो पीछे वाले को घुमाने के बाद ये देखिए ये आ गया, ये एच बी डस एच ए डस और एच सी डस, ठीक है। ये पीछे वाली वैलेंसीज ऐसे आ गई, आगे वाली एच ए एच सी एच बी एज इट इज है, जैसे कि ये थी, ठीक है। तीन केस आप ये मिले, चौथे केस में आप क्या करेंगे, अगेन आप फिर से 60 डिग्री घुमाएंगे, 60 डिग्री घुमाने के बाद आप 60 डिग्री घुमाएं एच ए एच बी एच सी, और ये अब ग्रुप यहां पे आ जाएंगे, एच बी डैस यहां आ जाएगा, एच ए डैस यहां आ जाएगा, एच सी डैस यहां आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट केस में ये फिर से 60 डिग्री घूमेगा, और 60 डिग्री घूमने के बाद एच ए एच बी एच सी जो ये हैं, इनमें एच सी डस एच बी डस और एच ए डस ऐसी पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट केस और क्या हो सकता है, इसको फिर 60 डिग्री घुमाएं और एच ए एच बी एच सी, ये तीन फॉर्म और, ये फॉर्म आ गई, और इसमें एच एच सी डस एच बी डस एच ए डस। देखिए बच्चों ये तो छह फॉर्म आपने बनाई, और इसके बाद जब फिर 60 डिग्री घुमाओगे तो फिर ये फॉर्म वापस ये वाली फॉर्म बना देगी, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ये अगर स्ट्रक्चर वन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सेवेंथ फॉर्म रिपीट कर जाएगी अपने को, मतलब ये एक ऐसा केस हो गया कि आप जहां से शुरू हुए थे थोड़ी देर, जहां से शुरू हुए थे थोड़ी देर बाद आप वहीं पे आके खत्म हो जाएंगे, ऐसे तो घूमेंगे आप, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आप कुल मिलाकर के एक जैसी फॉर्मों में ही घूमते रहेंगे, एक जैसी फॉर्म के अंदर ही घूमते रहेंगे। अच्छा, इन फॉर्मों को देख करके हमें क्या समझना है, आप इससे ये मॉलिक्यूल बनाना सीख गए ऐसे करके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इथेन के साथ पॉसिबल। इन इथेन की फॉर्मों में, क्योंकि एच एक जैसी चीजें हैं, हमने तो केवल दिखाने के लिए, अंतर करने के लिए एच ए एच ए लिखा था, एच ए एच बी एच सी लिखा था, मगर सब तो हाइड्रोजन है, सारे ही सारे हाइड्रोजन है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप देखिए पहली फॉर्म
तीसरी फॉर्म और पांचवी फॉर्म, फर्स्ट थ्री एंड फिफ्थ फॉर्म जो है वो एक जैसी फॉर्म है। देखें इसमें आप अगर टोटल मिला के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आपको फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाली फॉर्म जो है एक जैसी फॉर्म मिली है, जबकि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ वाली जो फॉर्म है वो आपको दूसरे तरह की मिली है। तो पहली वाली फॉर्म जो है कुछ इस तरह से है, एच ए, या इसको हटा देते हैं इस बार, अब हम इसको हटा देते हैं, हाइड्रोजन का जो हमने लिखा हुआ है ये देखिए, ये तीन फॉर्म हमारे को मिली है, ये इन तीनों फॉर्म एक जैसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तीनों फॉर्म एक तरीके से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें कुल मिला के इन छह की छह फॉर्म का निचोड़ क्या मिला है बच्चों, ये दो डिफरेंट फॉर्म मिली है। ठीक है, इसमें पहली फॉर्म ऐसी है जब आगे वाली वैलेंसी से पीछे वाली वैलेंसी छुप गई है, ठीक है ना, केवल आपको दिख पाए इसलिए हमने हल्का सा निकाल के दिखाया है, अदरवाइज ऊपर वाली वैलेंसी से पीछे वाली वैलेंसी एकदम से छुप चुकी है, ओवरलैप हो गई है, ठीक है ना। ऐसा एक केस जब आगे वाली वैलेंसी पीछे वाली वैलेंसी को, या फिर आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है, तो इसको कहते हैं एक्लिप्स, हिंदी में जैसे ग्रहण कहते हैं ना, ये क्या हो गया एक्लिप्स, ये हो गया एक्लिप्स। ये एक केस है जहां पे कि कंप्लीट क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, इसका नाम है एक्लिप्स। और दूसरी फॉर्म ऐसी है जहां पे कि कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। तो ये दो फॉर्म इसकी पॉसिबल हैं जो कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड के नाम से हैं। इक्लिप्स फॉर्म में आगे और पीछे की दोनों वैलेंसी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, स्टैगर्ड के केस में दोनों की दोनों वैलेंसीज एक दूसरे को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रही हैं। तो ये केसेस आपके तब मिले जब आपने इनको 60-60 डिग्री रोटेट किया, ठीक है ना। अब जब आप पीछे वाले को थोड़ा भी रोटेट करोगे, अगर आपने 10 डिग्री या 2 डिग्री भी रोटेट किया तो तभी भी तो दूसरी फॉर्म बनेगी, ये तो तब बनी जब 60 डिग्री रोटेट किया। अगर आप 10 ही डिग्री रोटेट करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, मगर ये दोनों एक तरह की फॉर्म है ना, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एक तरीके की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका भी हमने नाम दिया स्टैगर्ड, वाली का भी नाम दिया, ये कंप्लीटली ओवरलैपिंग वाला केस था इसलिए इसे हमने एक्लिप्स कहा। कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें थोड़ा बहुत ओवरलैप ना हो रहा हो तो उसको हम जो इंटरमीडिएट जो भी फॉर्म इसके बीच में बनेंगी, बहुत सारी फॉर्म बनेंगी, उनको हम स्क्यू, स्क्यू, उसको हम स्क्यू फॉर्म बोल सकते हैं, स्क्यू, या फिर कहीं कहीं पे इसको गौचे भी बोलते हैं, गौचे फॉर्म। ये दो नाम इसके बीच में जितने भी कन्फर्मर्स आएंगे उनको कॉमनली इन्होंने स्क्यू और गौचे फॉर्म कह दिया। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे। देखिए मैं इसको रब करता जा रहा हूं, मैं इनको रब कर रहा हूं, ठीक है, इनकी अब जरूरत तकरीबन खत्म हो गई, इनका केस कंप्लीट हो गया, ओके। अब इन दोनों फॉर्म को हमने जो बनाया, ये दो फॉर्म क्या चीज हमें बता रही है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझे। इस वाले केस में पहला और दूसरा वैलेंसीज जो है, दोनों कार्बन की वैलेंसी जो है एक दूसरे को ढक दे रही हैं, मतलब वो जीरो डिग्री के अंतर में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जीरो डिग्री के अंतर में हैं, इसलिए वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए उनके बीच में रिपल्सन मैक्सिमम होगा। ये वाली जो एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स जो फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म का मतलब है मैक्सिमम रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन, या फिर ये छह के छह हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और उस कारण
इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, लीस्ट स्टेबल। अगला पॉइंट क्या बोला हमने, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन था इसलिए इसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और ये सबसे कम स्टेबल रह जाएगा। तो मैंने हाईली हाईली एनर्जेटिक, ये तीन बातों से मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है आपको। एक्लिप्स फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए हमने तीन पॉइंट लिखे हैं, एक तो रिपल्सन, सॉरी यहां पे करेक्शन है, रिपल्सन मैक्सिमम, यस मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन, लीस्ट स्टेबल और हाईली एनर्जेटिक। अगर मैं चौथी बात लिखना चाहूं इसमें तो मिनिमम एंगल डिफरेंस, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो मैं चाहूं तो इन चार बातों से इस फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ समराइज कर सकता हूं। देखिए, इसलिए तो ये तीनों की तीनों फॉर्म एक जैसी हैं क्योंकि इन सब की एक बराबर वैल्यूज है, इन सब में बराबर नंबर ऑफ मैक्सिमम रिपल्सन है, इनकी स्टेबिलिटी भी मिनिमम होगी सबकी, इनमें सब में आयर एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब किया हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा उसके केस में, मिनिमम। देखिए 60 डिग्री का ही तो रिपल्सन है, 60 डिग्री का ही तो एंगल है, यहां से भी और यहां से भी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर खिसका दूं तो ये एंगल कम हो जाएगा, हालांकि ये बढ़ जाएगा मगर ये कम हो जाएगा। इसलिए इसी केस में ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम एंगल का डिफरेंस है, मैक्सिमम एंगल का डिफरेंस है, और जो इनका रिपल्सन है, इनकी दूरी जो है ये एक दूसरे से मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम दूरी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम रिपल्सन। एक पॉइंट तो हम इसका ये बोल देंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे हम इसका, मोस्ट स्टेबल। यस, ये फॉर्म जो हो जाएगी किसी भी और फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड वाली, मतलब इन तीनों फॉर्मों की बात कर रहे हैं हम, ये तीनों फॉर्म किसी भी और फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। और चौथी बात अगर इसको बोले तो एंगल, एंगल डिफरेंस जो है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम एंगल डिफरेंस। तो ये चार पॉइंट जो है जहां पे मिलेंगे वो स्टैगर्ड हो जाएंगे, और ये चार पॉइंट जिन भी फॉर्म में मिलेंगे वो एक्लिप्स हो जाएंगे। इन बातों को समझ के आपको अगर पूछा जाए कि ईथेन के कितने कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे इसके दो फेवरेट कॉन्फॉर्मर्स हैं, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक्लिप्स फॉर्म ये होंगी, स्टैगर्ड फॉर्म ये होंगी। अगला पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि क्या इसके अलावा कोई और कॉन्फॉर्मर्स भी पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे इसके अलावा जितनी भी फॉर्म पॉसिबल हैं उनकी एनर्जी इन दोनों के बीच की होंगी, उनकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच की होंगी, उनमें एंगल का डिफरेंस इन दोनों के बीच का होगा, मतलब वो इंटरमीडिएट फॉर्म होंगी, उनका नाम स्क्यू फॉर्म या गौचे फॉर्म। ये बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बच्चों ब्रीफ कर लेना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये मैंने आपको बताया इथेन मॉलिक्यूल के लिए, जो कि बहुत सिंपलेस्ट कंपाउंड था। और अगर मैं आपको इस कंपाउंड को एक एनर्जी डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए बोलूं, जैसे जैसे हमने एंगल चेंज किया, ये एंगल चेंज होता जा रहा है और ये एनर्जी एनर्जी के करस्पॉन्ड हम इसको दिखाते जा रहे हैं। तो पहली फॉर्म जो कि एक्लिप्स थी उसकी एनर्जी ज्यादा थी, फिर स्टैगर्ड फॉर्म आई उसकी एनर्जी कम, फिर एक्लिप्स आई, फिर स्टैगर्ड आई, फिर एक्लिप्स आई, फिर स्टैगर्ड आई। आपने देखा फर्स्ट फॉर्म की अगर एनर्जी सबसे ज्यादा थी तो सेकंड की कम थी, थर्ड की फिर ज्यादा थी, फोर्थ की फिर कम थी, फिफ्थ की फिर ज्यादा थी, सिक्स्थ की फिर कम थी। ऐसे करके आपको ये कर्व मिलेगा। आपने 60-60 डिग्री, देखिए जीरो डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये फिर आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 60-60 डिग्री 360 तक जब आप घुमाओगे इसको, तो आपको ऐसे करके एक एनर्जी डायग्राम मिलेगा। इस एनर्जी डायग्राम से देख करके आप लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे इस एनर्जी डायग्राम से कि इसमें से कौन सी फॉर्म ऐसी है जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो सबसे कम स्टेबल है, कौन सी ऐसी है जिनकी एनर्जी सबसे कम है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म।
ओके तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बताया था, ईथेन का एग्जांपल बताया था, आप लोगों ने ईथेन के कॉन्फॉर्मर्स बनाने और उनके करेक्टरिस्टिक्स समझी थी, इस तरीके से आप लोगों ने समझा है, ठीक है। अब जो मैं थोड़ा सा अगला एग्जांपल जो ले रहा हूँ उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली है, हालांकि सेम मॉडल पे काम करेंगे। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है ब्यूटेन, हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला बताएं, C4H10 है ना, CnH2n+2 होता है ना, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हमारा होगा, ठीक है। अब देखें किस तरीके से ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है, आपको बताइए CH3CH2CH2CH3 है ना, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है, ये एक चार कार्बन का एल्केन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं इस चार कार्बन के एल्केन मॉलिक्यूल को के डिफरेंट कन्फॉर्मर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस तरीके से CH2CH3। देखिए हमारा स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, पहले हमारा CH3CH3 था, अब एक हाइड्रोजन चेंज हो गया है एक मिथाइल ग्रुप से, है ना। तो दो वैलेंसीज तो ये है और तीसरी वैलेंसी ये है इस कार्बन पे, इसी तरीके से इस कार्बन की दो वैलेंसी ये है, तीसरी वैलेंसी ये है। तो अगर मैं इसको ब्लू वाला कार्बन बोल रहा हूँ, पीछे वाला रेयर वाला कार्बन बोल रहा हूँ, और इसको फ्रंट वाला कार्बन बोल रहा हूँ, तो मैं इनके स्ट्रक्चर को कैसे बना सकता हूँ, देखें इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं। ये हो गया फ्रंट कार्बन एटम, फ्रंट कार्बन एटम जो है, इस फ्रंट कार्बन एटम में एक ग्रुप है CH3, एक है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, फ्रंट वाले कार्बन एटम पे इस पे दो ग्रुप तो हैं, H1 H2 दो हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है, जबकि पीछे वाले कार्बन पे भी तीन ग्रुप हैं और एक ग्रुप है, पीछे वाले कार्बन पे भी तीन ग्रुप हैं, एक ग्रुप है उसमें CH3, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा भी है हाइड्रोजन, ये तीन ग्रुप इसमें भी है। तो ये हमारा ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म हो गई, एक फॉर्म हो गई जो सबसे पहली फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोग बना ही लेंगे आराम से, ठीक है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब हमें क्या करते रहना है, इसको पीछे वाले कार्बन को रोटेट करते जाना है, पीछे वाले कार्बन को कितने कितने डिग्री में रोटेट कर रहे हैं, पिछली बार हमने 60-60 डिग्री में रोटेट किया था, अभी भी हम लोग क्या करेंगे 60-60 डिग्री में ही उसको रोटेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है। देखिए पहली बार जब हम इसको, अभी इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ CH3, इसको सबको हाइड्रोजन वगैरह इनके जो भी ग्रुप्स हैं इनको भर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल बन जाए। पहले वाले कार्बन को तो बिल्कुल भी हमने छेड़ा नहीं, पीछे वाले कार्बन को हम हिलाते रहे घुमाते रहे, तो आप देखो पीछे वाला कार्बन जो है पहली बार 60 डिग्री जब घुमाया होगा तो वो ऐसे घूम गया होगा, अगली बार 60 डिग्री घुमाया होगा तो फिर वो इस फॉर्म को बनाएगा, अगली बार फिर हमने 60 डिग्री घुमा दिया तो ये ऐसे बन गया, फिर ये रिपीट होगा एग्जाम्पल, है ना, फिर ये केस रिपीट होगा। तो ये ऐसे करके 6 केस हमारे पास आए, 7वां केस तो वापिस यही आ जाएगा, देखेंगे कैसे, है ना। इसमें देखें बच्चों कैसे है, पहले जब इसको 60 डिग्री घुमाया तो ये CH3 इधर आ गया, ये वाला CH3 60 डिग्री घुमाने में इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, अगले केस में CH3 इसकी तरफ चले गए बच्चों, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, अगले केस में CH3 इधर आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, अगले केस में CH3 इधर आ गया, ये हाइड्रोजन, और लास्ट केस में CH3 इधर आ गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये सारी इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है, इसलिए इनको डबल साइडेड एरो से दिखाया हुआ है, डबल हेडेड एरो मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा कॉन्फॉर्मर्स फॉर्म है, दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, एक ही कंपाउंड की बहुत सारी फॉर्म। अच्छा अब आप देखें ये जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल के हैं,
जो कि कब हुए हैं, पीछे वाले मॉलिक्यूल को रोटेट कर करके. मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, फिर 120 डिग्री, फिर 180, फिर ऐसे ऐसे करके 270, 360. आखिरी में ये मॉलिक्यूल यही हो जाएगा. देखिए सिक्स्थ मॉलिक्यूल, देखिए इसको कर दिया हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. और जो सेवंथ मॉलिक्यूल इसका बनेगा, सेवंथ मॉलिक्यूल बनेगा, वो तो वापस से वही बन जाएगा ना, ये वाला ही बन जाएगा, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा. इसलिए मैंने इसके आगे कुछ नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं सिक्स्थ वाले को जब रोटेट करूंगा तो मुझे अगेन फर्स्ट वाला ही स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया. ठीक है, अब अगेन जब हम इनको देखेंगे बच्चों, तो हमें इनमें से किस तरीके की फॉर्म पता चलेंगी. एक फॉर्म तो देखिए फर्स्ट वाली पता चल रही है, फर्स्ट वाली फॉर्म जो है एक पता चल रही है. ठीक है ना, या मैं इसको स्ट्रक्चर में बना के ऐसे लिख देता हूं, आप देख लेंगे. इसमें एक फॉर्म तो जो है वो है फर्स्ट. क्या फर्स्ट की तरह कोई दूसरी फॉर्म है? देखिए फर्स्ट में क्या है, CH3 के पीछे CH3 है. क्या और कोई ऐसा केस है जिसमें CH3 के पीछे CH3 है? बिल्कुल भी नहीं है, है ना. इसलिए फर्स्ट वाली तो यूनिक तरीके की है. दूसरा केस क्या आ रहा है, सेकंड वाली फॉर्म जिसमें CH3 के बगल में CH3 है. तो क्या ऐसी कोई और फॉर्म है? देखिए सिक्स्थ वाली फॉर्म और सेकंड वाली फॉर्म एक जैसी फॉर्म है. सिक्स्थ वाली फॉर्म और सेकंड वाली फॉर्म एक जैसी फॉर्म है. तो सेकंड और सिक्स्थ एक जैसी ही फॉर्म है. इसमें बस उसके राइट, उसके लेफ्ट हैंड साइड में CH3 है, वहां पे उसके राइट हैंड साइड में पीछे वाला CH3 है, मगर और कोई डिफरेंस नहीं है. इसके बाद अगला केस, थर्ड वाली जो मेरी फॉर्म है, थर्ड वाली जो मेरी फॉर्म है, क्या इस तरीके की कोई और फॉर्म है? कोई भी फॉर्म नहीं है. यस है, थर्ड वाले की तरह फिफ्थ वाली फॉर्म है. फिफ्थ वाली फॉर्म जो है बच्चों वो केवल थर्ड वाले की तरह ही है, है ना. इसमें हाइड्रोजन के पीछे CH3 है, इसमें भी हाइड्रोजन के पीछे CH3 है, इसलिए इसमें भी थर्ड और फिफ्थ में भी सिमिलरिटी है. और चौथा वाला केस मैंने बनाया, चौथी वाली जो मैंने फॉर्म बनाई, इस फोर्थ की तरह तो कोई फॉर्म बची ही नहीं है, तो कोई फॉर्म इसकी तरह हो ही नहीं सकती, है ना. ये यूनिक फॉर्म है, ठीक है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये रहे 6 स्ट्रक्चर्स बच्चों, ठीक है. इनमें से ये दोनों फॉर्म सेम किस किस एस्पेक्ट में? हर एस्पेक्ट में. किस एस्पेक्ट में? सेम रिपल्सन, सेम एंगल डिफरेंस, सेम एनर्जी, सेम स्टेबिलिटी. सारे ये दोनों फॉर्म बराबर, ये दोनों फॉर्म बराबर, इनकी अलग, इनकी अलग बात है. अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाली फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड एंड फिफ्थ फॉर्म, ये तो एक्लिप्स की तरह है. इनको तो हम एक्लिप्स कहते थे. देखिए इनको हमने एक्लिप्स कहा था, इसको एक्लिप्स कहा था, इसको एक्लिप्स कहा था, और इसको हमने स्टैगर्ड कहा था, और इसको भी हमने स्टैगर्ड कहा था. तो ये दोनों तो क्या, ये दोनों तो सेम नहीं है. सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एक जैसे थोड़ी ना है. इनमें तो केवल ये दोनों एक समान है, ये अलग है. तो ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड अब थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा है. इस चीज को भी देखिए दोबारा से ठीक कर लेते हैं. हमें पता है ये ऐसी फॉर्म है जब CH3 के एग्जैक्ट पीछे CH3 है, जबकि इनमें CH3 के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, है ना. तो इस केस को कहा है बच्चों फुल्ली एक्लिप्स्ड. फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली मतलब कंप्लीट, ये कंप्लीट एक्लिप्स का केस है. जबकि इसका जो दूसरा केस बन रहा है थर्ड और फिफ्थ वाला, वो फुली नहीं है, उसको कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना. तो फुली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे देख ली. इसके अलावा ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म है सेकेंड एंड फोर्थ. मगर सिक्स्थ वाली के केस में क्या है, देखिए, अच्छा फोर्थ वाली, सॉरी फोर्थ वाले के केस में क्या है, फोर्थ वाले में CH3 से मैक्सिमम डिस्टेंस में है. ये केवल अलग तरीके के केस है, इसमें ही केवल दोनों CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी में, क्योंकि ये बड़े ग्रुप है इसलिए इनके बीच में रिपल्सन भी ज्यादा होगा. इस केस में रिपल्सन जो है, इस केस में रिपल्सन जो है ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस में है हर तरह से, है
तो इस वाले केस को जो फोर्थ वाला केस है ये तो हमारा स्टेगर्ड है, और स्टेगर्ड के अंदर इसका अलग नाम दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं एंटी, इसको कह रहे हैं एंटी। और ये जो बच गया ये सिंपल स्टेगर्ड फॉर्म है, सेकंड और सिक्स्थ वाली फॉर्म जो है हमारी सिंपल थ्री की है। इस तरीके से हमने ब्यूटेन जो पढ़ा था जिसमें केवल एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म पड़ी थी, यहाँ पे हमने फुली एक्लिप्स पार्शियली एक्लिप्स में भी देख लिया, और एंटी और सिंपल स्टेगर्ड जो फॉर्म ही हमने उसको भी देख लिया। हमने इन कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा और ये समझा कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर बच्चों इस चीज को आप लोगों ने ढंग से समझ लिया तो मैं आपको अगर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए अब इसका बोलूं, अगर मैं आपको इनका एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए बोलूं तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगेन ये एंगल जो हम 60-60 डिग्री घुमाते जा रहे हैं, और ये एनर्जी और एंगल के बीच में अगर हम इसका एक डायग्राम खींचे तो पहली वाली फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम और एनर्जी सबसे ज्यादा है। एनर्जी सबसे ज्यादा है तो हाईएस्ट पॉइंट में इसकी एनर्जी है, दूसरे वाले की एनर्जी कम है, इससे कम है, दूसरे वाले की एनर्जी इससे कम है, मगर दूसरे वाले से तीसरे वाले की एनर्जी फिर बढ़ जाती है, तीसरे वाले की एनर्जी बढ़ जाती है, देखिए फिर चौथे वाला, फिर इसके बाद फोर्थ वाला आया, देखिए फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ, फिर इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड ऐसे ऐसे मिलेंगे। ये इसका रियल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको बताता जा रहा हूं आपको, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर इसको दिखाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस, फिफ्थ और सिक्स्थ, है ना। ये तो फिर वापस से फर्स्ट पोजीशन आ गई, ये अगर हमने ऊपर ले गए तो ये अगेन ये फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो इसकी जो ये सिक्स फॉर्म्स थी, इसमें सबसे पहली वाली फॉर्म जिसको हमने फुली एक्लिप्स कहा था, फुली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, इतनी एनर्जी किसी और की नहीं है, जबकि सेकेंड वाले और सिक्स्थ वाले की एनर्जी एक बराबर है, सिक्स्थ वाले की और सेकंड वाले की एनर्जी एक बराबर है, क्योंकि ये स्टेगर्ड केस है। इसके बाद थर्ड और फिफ्थ वाले की एनर्जी भी एक बराबर है, मगर ये एक्लिप्स हैं इसलिए इनकी एनर्जी स्टेगर्ड वालों से ज्यादा है। और एकमात्र केस हमारे को जो सबसे कम एनर्जी का बच्चों मिला, इसको फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को जो हमने देखा, इसको हमने एंटी कहा। देखिए ये दोनों ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, जब ये दोनों एक दूसरे से इस केस में सबसे ज्यादा दूर है ये, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे कम होगी। इनके बीच में क्योंकि रिपल्शन सबसे कम रहेगा इसलिए इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, है ना। तो ये वाली फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, इसका फॉर्म कौन सी है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ वाली फॉर्म। हम कहेंगे उसका नाम क्या है, आप कहेंगे उसका नाम है एंटी वाली स्टेगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड के डिफरेंट कन्फॉर्मर्स एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड बना सकते हैं। ठीक है ना, अब आप देखें कि ये जो रोटेशन हो रहा था बॉन्ड के अराउंड, इसके बाद अलग अलग फॉर्म मिल रही थी, इनमें से कुछ फॉर्म ऐसी थी जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उन फॉर्म तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती थी, है ना, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी। और जिस फॉर्म की एनर्जी सबसे कम रहती है वो कंपाउंड उस फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर मैं पूछूंगा कि ब्यूटेन किस फॉर्म में ज्यादा मिलेगा, तो आप बोलोगे कि ब्यूटेन अपनी एंटी फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। मतलब 95% चांसेस हैं कि ये ब्यूटेन जो है एंटी फॉर्म में देखने को मिले, और बाकी बचे हुए 5% केसेस में ये सारी फॉर्म होंगी जिसमें से सबसे कम परसेंटेज होगी फुली एक्लिप्स वाले की, सबसे कम मात्रा में फुली एक्लिप्स वाला होगा बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म को समझने के एलिफैटिक वाले केस में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इसमें साइक्लिक एल्केन्स को के ऊपर रहेगा, और उसमें भी हमारे पे साइक्लोहेक्सेन का केस जो है सबसे क्रूशियल केस है वो हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे।